गोरखपुर में शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर केवल 30 नए मरीज मिले हैं, जबकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कोरोना संक्रमित एक 60 वर्षीय बुजुर्ग और एक 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,441 पहुंच गया है। इनमें 19,701 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 330 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 410 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। शुक्रवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 17 नए मरीज मिले। इसमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 11 मरीज शामिल है। इसके अलावा गोरखनाथ, कैंट और कोतवाली थाना क्षेत्र में 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 12 नए मरीज मिले हैं। इसमें ब्रह्मपुर, खोराबार, सरदारनगर और गोला में 1-1, बांसगांव में 2 और चरगावा में 6 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 1 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।